हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक रामायण का एक दोहा है, जो इच्छा रखी है मन माही प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। मतलब आप अपने अंदर जो ही इच्छा रखते हैं वो प्रभु प्रताप से, प्रभु की इच्छा से, वो कोई भी इच्छा जो आपके मन में वो दुर्लभ नहीं है। कोई भी इच्छा ऐसा नहीं है कि जो आपका पूरा नहीं हो सकता है। वो हर डिज़ायर, हर विश, हर ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। बस समस्या एक ही है कि उस वो जो इच्छा शक्ति है, जो इच्छा, जो आप जो चीज़ों को जो चाह रहे हैं, आपके चाहत में पावर होना चाहिए। जैसे शाहरुख खान का भी एक डायलॉग है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर या किसी को अगर आप प्यार करते हैं, किसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं, अगर शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी जो कायनात होती है वो चीज़ आपको दिलवाने में मदद करती है। पहले तो ज़रूरत क्या है चाहने का, तभी जाकर। और चाहना क्या है? ऐसा चीज़ चाहना है कि जो हमारे भलाई के लिए हो, हमारे समाज के भलाई के लिए हो, तभी जाकर वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा। तभी वो जब जाके वो जो हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है आपको पुश करेगा वो चीज़ प्राप्त करने में। बस और बिलीव, विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अगर आप अपने जो आप चाह रहे हैं, अगर आप खुद उस पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जो भगवान है वो आपको कैसे देगा। तो इसलिए आप अपने जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी आपका बनना जो आप चाहते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम ये चीज़ बनेंगे तो ज़रूर पूरा होगा। और उसके लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और उस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए। नो मैटर वो काम आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, ऑनेस्टी कितना है उस काम को लेके। अगर वो विचार अगर आपके अंदर आ रहा है, तो हम कोई भी चीज़ के अगर बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, विचार हमारे अंदर डेवलप होता है। और वो विचार डेवलप होते होते अगर आप उसको विश्वास रखेंगे तो विचार शक्ति में इतना ताकत है कि जो आपके अंदर विचार जो हो रहा है वो रियलिटी में हो सकता है। बशर्ते विश्वास रखना है और उस पर काम करते रहना है, और काम करते रहना है ईमानदारी के साथ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए ईमानदारी के साथ, और विश्वास रखिए कि आपका नंबर अच्छा आएगा, आप बेहतर कर सकते हैं। भले ही फेलियर हम हो सकते हैं, लेकिन फेलियर कितना, आफ्टर द फेलियर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ हम लोग को साथ समस्या क्या है, हम लोग कोई भी जब काम करते हैं, दिक्कत यहाँ पर होता है कि जब काम करते हैं एक गोल सेट करते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, और उसमें हम लोग अगर नहीं कर पाते, जैसे रूटीन बनाते हैं पढ़ने के लिए, एक दो दिन नहीं पढ़ पाए, फिर सोचते हैं कि चलो हटाओ इसको, फिर रूटीन को हम लोग फाड़ कर फेंक देते हैं, गलती वहीं करते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से लीजिए, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में कीचड़ है और आप गलती से गिर गए उस कीचड़ में, तो क्या होता है, हमेशा हम लोग जैसे ही गिरते हैं तुरंत उठ जाते हैं, और उठने के बाद अपने धूल को झाड़ते हैं और फिर चलने लगते हैं। कभी ऐसा होता है, ये सोचते हैं क्या हम लोग, गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो गिर गए हैं, गंदा हो गया है, तो और उसमें लौट जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है कि कीचड़ में गिरे वो चलो आगे से ही लेटा, अभी पीछे पूरा उसमें लौट कर अपने आप को उसी में लौटते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे ही हम लोग कीचड़ में गिरते हैं तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो यही चीज़ हमारे जीवन में है। जीवन में ऐसा नहीं है कि जो हम लोग सेट करते हैं एजेंडा, जो गोल सेट करते हैं, या जो हम लोग डिसिप्लिन एक तैयार करते हैं कि इसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसको फॉलो करते रहेंगे, वो डिसिप्लिन ब्रेक भी हो सकता है, समझ रहे हैं? आप रूटीन बना है, आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक दिन नहीं पढ़े, दो दिन नहीं पढ़े, फिर जैसे ही आपके अंदर जागरूकता है, अवेयरनेस, आप अवेयर होते हैं, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक उसी तरह से जैसे आप कीचड़ में गिरे तो आप लौटने नहीं लगते हैं कि थोड़ा सा गंदा हुआ पूरा ही गंदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के अंदर यही है कि जो प्रयास करते रहते हैं सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, या थोड़ा सा गलती हो गया तो सोचते हैं कि अभी गलत नहीं हो गया, इसको छोड़ ही देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब, जैसे विवेकानंद का भी एक कहना था कि जब जागो तभी सवेरा, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, और तब तक रुको नहीं जब तक अपने आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नो मैटर आप गिर रहे हैं, ठोकर लगेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना है, ठीक है, और अपने आप को एकदम मजबूत बनाना है। और जो आपका इच्छा शक्ति है, जो आपका विल पावर है, इसमें बहुत शक्ति है, विचार के पास बहुत शक्ति है, और विचार को कैसे
सही मार्गदर्शन मिले, सही डायरेक्शन मिले और सही विचार आपके अंदर होना जरूरी है। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग किसी भी तरह का काम करें कोई दिक्कत नहीं है, मन में क्या सोच रहे हैं यह नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो चल रहा है, जो विचार जो चल रहा है, वो विचार सामने वाले को दिखता है। भले वो कोई वस्तु नहीं है जो दिखे, लेकिन उसका प्रभाव जरूर दिखता है। जैसे एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे आप किसी अच्छे एक गार्डन में जाते हैं जिसका जो माली है बहुत उसमें सेवा किया है, उसका पेड़ों का कटाई छटाई किया है, उसको सही रो में डेकोरेट किया है, तो वो गार्डन आपको देखने से लग जाता है कि नहीं, इस गार्डन का जो माली है वो बहुत इसका देखभाल करता है। वो भले ही माली आपको दिखे या ना दिखे, आप समझ रहे हैं मेरे बात को, आप जब गार्डन में जाते हैं तो गार्डन बहुत जो अच्छा दिख रहा है, तो माली आपको नहीं भी अगर दिखेगा काम करते हुए उसमें, लेकिन आप गार्डन को, आप उस बगीचे को देखकर आप बता सकते हैं कि जो इसका माली है, जो देख रेख करने वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत किए हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ हमारे साथ भी होता है कि हमारा जो विचार है वो सामने एक हमारा जो पर्सनैलिटी है उसके रूप में दिखता है। भले वो जो विचार है वो दिख नहीं रहा है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जरूर दिखता है। तो आपसे नम्र निवेदन है, आप अपने विचारों को सही कीजिए और आप जो भी इच्छा अपने दिमाग में रखते हैं वो जरूर पूरा होगा। बस आप ऑनेस्टी के साथ उसको कीजिए, उस पर काम कीजिए, जरूर पूरा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।